हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज से हम नया सीरीज ओपन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर इस सीरीज में अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा, 1 वीक तक मैं इसको ट्रायल लूँगा, और आफ्टर 1 वीक अगर ये कंटिन्यूटी मेरे को इसमें व्यू अच्छा मिला तो आगे भी कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। इसलिए कोशिश कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो भी मेरी स्टडी एनालिसिस है, ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज है, ना कि कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ले। अगर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रॉफिट या लॉस में। तो चलते हैं स्क्रीन पे। इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 2 स्टॉक आज लेकर के आप लोगों के लिए लाए हैं कि कल कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग ट्रेड बाय साइड या सेल साइड डिसीजन लिया जा सकता है उससे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। पहला स्टॉक है IGL। IGL में आप देख रहे हैं इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लगभग 13% ओपन साइड है, वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई है, और RSI भी 57 पे आसपास है, और डिलीवरी वॉल्यूम 40% वॉल्यूम के साथ में बाइंग देखी गई है। इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 20 day EMA के ऊपर निकला है, और 20 day EMA के ऊपर इस स्टॉक में अच्छा खासा निचले लेवल से करेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक लगभग 303-304 के लेवल से ब्रेकआउट करके ये स्टॉक तेजी में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एज फॉर एंगल एनालिसिस और वोलेटिलिटी एनालिसिस, आप देख रहे हैं 305 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इस हफ्ते में लगातार कंटिन्यू तेजी रहा है, और लगभग 311 रुपये के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है। 318-319 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं आज इंट्राडे का हाई भी रहा है, तो इस स्टॉक में बाई साइड पोजिशन लिया जा सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। फिर भी इस स्टॉक में अगर नेक्स्ट वीक में तेजी आती है या कोई भी डीप आता है, 303-304 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इस स्टॉक में कल के लिए भी ये डेटा अच्छा डेवलप है, और आने वाले वीक में भी इस स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखी जा सकती है। लेकिन 304-305 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एज फॉर ब्रेकआउट बेसिस पे इस स्टॉक को एनालाइज किया जा रहा है, और गैन एंगल के हिसाब से इस स्टॉक में 324 रुपये तक के टारगेट ऊपर के साइड में देखे जा सकते हैं, अगर 318-319 के ऊपर क्रॉस करता है तो। लेकिन 312 रुपये के नीचे ब्रेक करता है तो 308 रुपये के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। लेकिन 311 रुपये 40 पैसे पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो थोड़ा सा तेजी के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया सकता है, और अगर 318-319 के ऊपर चला जाता है तो अच्छा खासा 324 रुपये तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। तो एज फॉर लेवल एनालिसिस, इस स्टॉक में लेवल ब्रेक करे तो ही बाई साइड पोजीशन ले, सेल को अवॉइड करना है, नीचे सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। किसी भी कारण से अगर डिप पे मिलता है तो फिर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा। अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक, टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इस स्टॉक को कौन से लेवल से डाउनसाइड प्रोजेक्ट किया जा सकता है उसका हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं क्लोजिंग जो हुआ है, वीकली वोलेटिलिटी के हिसाब से इस स्टॉक का नीचे का डाउनसाइड का जो टारगेट था लगभग 242 का था, और ऑलरेडी 248 पे स्टॉक चल रहा है। अगर किसी भी कारण पर 247 के नीचे ब्रेक करता है तो 242 का टारगेट आराम से अचीव करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में आप देख रहे हैं 2.75% के हिसाब से वॉल्यूम ओपन इंडेक्स के साथ में गिरावट देखी गई है, वॉल्यूम में भी 36% रिट्रेसमेंट हुआ है, और इस स्टॉक में आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेंज बना रखा है, और कहीं ना कहीं 240-242 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो 235 रुपये तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं मिड टर्म। लेकिन इंट्राडे के पर्पज़ से इस स्टॉक का 247 टूटेगा तो 242-243 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये रहा 2 स्टॉक पे हमने पकड़ के लाने की कोशिश किया है इस स्टॉक में। नेक्स्ट वीक के लिए भी दोनों स्टॉकों में पोजीशन देखा जा सकता है जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, लेकिन लेवल भगवान होता है, लेवल को वॉच करना है, ना कि किसी भी बेसिस पे। अगर लेवल नहीं टूटता है
तो सेल साइड पोजीशन नहीं लेना है, अगर रिवर्स आता है तो उसको अवॉइड करना है। तो ये रहा एनालिसिस स्टॉक जो कल के लिए आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से है। ट्रेड करने से पहले जो स्टडी एनालिसिस कर लें, क्योंकि दिए हुए लेवल पे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाय।